नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, वो भी सूखे नारियल के पाउडर से, नारियल की चटनी जो हम इडली डोसा या फिर उत्तपम के साथ खाते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है आधी कटोरी जितना सूखा नारियल पाउडर, जो मार्केट में रेडीमेड मिलता है वो। स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच जितना जीरा, 2 से 3 या फिर आप जैसा तीखा खाते हो वैसी हरी मिर्च। आधा कटोरी ली है मैंने रोस्टेड चने की दाल, जो रेडीमेड मार्केट में मिलती है वो, जो इसका स्वाद और टेक्सचर दोनों ही अच्छा करेंगी। 3 से 4 डाली जितना कड़ी पत्ता और 1 छोटा बंच जितना हरा धनिया। अब मैंने लिया है एक मिक्सी का जार, जिसमें सबसे पहले डाल दिया है हरा धनिया। उसके बाद हम डालेंगे ये जो हमने चना दाल ले रखी थी वो, 1 चम्मच जितना जीरा, स्वाद के अनुसार नमक, हरी मिर्च और जो नारियल पाउडर हमने लिया था वो भी सारा हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता जो हमने ले रखा था, साथ ही में हम इसमें डालेंगे लगभग 200 ग्राम जितना ताजा और मीठा दही और 1 कप जितना पानी। इन सभी चीजों को हम अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। चटनी हमारी पिस चुकी है, अब हम निकाल लेंगे इसको एक बर्तन में। बर्तन में निकालने के बाद हम करेंगे इसको तड़के की तैयारी। तड़के के लिए मैंने 1 चम्मच में रखा है थोड़ा सा तिल का तेल गरम होने के लिए। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 से 3 साबुत सूखे लाल मिर्च, 1 चुटकी जितना हींग और थोड़े से राई के दाने। जैसे ही राई चटकने लगती है हम इसमें डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते। तड़का जो हमने तैयार करके रखा है, वो जो हमने चटनी रखी है उसमें सारा डाल देंगे। अच्छे से कर लेंगे मिक्स और हमारी ये जो चटनी है वो खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। सूखे नारियल की मार्केट स्टाइल चटनी हमारी बनके रेडी है। मैंने आपके सामने इसको परोस दिया है गार्निश करके सिर्फ कड़ी पत्ते के साथ। आमतौर पर लोगों जो भी बनाते हैं वो हरे नारियल की चटनी बनाते हैं, लेकिन अगर आपके पास हरा नारियल नहीं है तो ये सूखे नारियल पाउडर की चटनी बेस्ट ऑप्शन है। स्वाद उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया।